आगामी चुनाव से पहले सरकार किसी भी सूरत में SC/ST समुदाय को मना लेना चाहती है, तभी तो एक्ट में संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के बाद अब सरकार ने SC/ST कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण की वकालत की है। इस मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें संविधान पीठ के सामने केंद्र ने अपील की है कि वो 2006 में M. नागराज के फैसले पर दोबारा विचार करे। दरअसल 2006 में M. नागराज केस पर फैसला आया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि SC/ST को प्रमोशन में आरक्षण सरकार तभी दे सकती है जब डाटा के आधार पर यह तय हो कि उनका प्रतिनिधित्व कम है। कोर्ट ने कहा था कि पदोन्नति से पहले ये देखें कि क्या उम्मीदवार को नियुक्ति में आरक्षण का लाभ लेने के लिए आरक्षण की जरूरत है और एक जूनियर अफसर को सीनियर बनाने से काम पर कितना फर्क पड़ेगा। इन सब पर विचार के बाद ही SC/ST कर्मचारियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण दिया जाए। लेकिन मोदी सरकार का कहना है कि 12 साल पुराना M. नागराज फैसला प्रमोशन में आरक्षण में बाधक बन रहा है, लिहाजा इस पर कोर्ट की संविधान पीठ को फैसले की समीक्षा करनी चाहिए। आज सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल KK वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा कि SC/ST 1000 सालों से हाशिए पर रहे हैं, ऐसे में इन लोगों को प्रतिनिधित्व बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि M. नागराज केस कहता है कि अगर SC/ST का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो ही प्रमोशन में आरक्षण मिलेगा, लेकिन हम ये कैसे तय करेंगे कि उनका प्रतिनिधित्व कम है? क्या ये हर पद के आधार पर होगा या फिर पूरे विभाग के हिसाब से या पूरे विभाग को मानक माना जाएगा? KK वेणुगोपाल ने कहा कि जब एक बार उन्हें SC/ST के आधार पर नौकरी मिल चुकी है तो फिर प्रमोशन में आरक्षण के लिए दोबारा डेटा की जरूरत क्यों है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ऐसे में नागराज फैसला पूरी प्रक्रिया में बाधक है, लिहाजा इसकी समीक्षा होनी चाहिए। DB लाइव की रिपोर्ट।